हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा ब्यूटी पार्लर क्लास का क्लास नंबर 3, जो कि है हेयर कट की सीरीज। तो हेयर कट में बेसिकली स्ट्रेट हेयर कट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ हेयर कट में अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हो, घर से शुरुआत करना चाहते हो, तो आपको हेयर कट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें लगेगी मैं उनको सारी डिटेल्स दे दूँगी। तो फ्रेंड्स बने रहिए, साथ साथ हमें आज वीडियो में स्ट्रेट हेयर कट देखना है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हेयर कट में फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो एकदम इम्पॉर्टेंट होता है, जो होना ही चाहिए, वो है सीजर्स। तो कोई कोई लोग इसको सीजर बोलते हैं, नहीं तो सीजर्स बोलना है हमें। इसका बोलने का तरीका है सीजर्स, क्योंकि इसमें देखो दो ब्लेड होते हैं। तो जनरली हम हेयर कट में 6 या 7 इंच की जो सीजर्स आती है वो स्टैंडर्ड मानी जाती है, उससे हेयर कट अच्छा आता है। इससे अगर थोड़ी छोटी होगी तो उससे हेयर कट अच्छे से बन नहीं पाता। तो जनरली आप अगर लेना चाहते हो तो आप 6 या 7 इंच का सीजर्स खरीदें। उसके बाद है सेल्फ एप्रन और क्लाइंट का एप्रन, ये दोनों चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आती है सेक्शन क्लिप्स, जो कि आपको हेयर कट करते टाइम सेक्शन बनाने में, सेक्शन होल्ड करने में काम आती है। उसके बाद एक सिंपल तरफ का जो कॉम्ब आता है वो भी आपको चाहिए। उसके बाद एक टेलकॉम चाहिए जो सेक्शन निकालने में आपकी मदद करे। सेक्शन टेलकॉम से क्या होते हैं, प्रॉपर तरीके से निकलते हैं। उसके बाद आपको एक रोलर चाहिए, रोलर कॉम चाहिए, जो स्टाइलिंग में आपको काम आएगा। उसके बाद आता है वाटर बॉटल स्प्रे, ये भी वाटर स्प्रे करते टाइम, हेयर्स आपको गीले करते टाइम ये काम आएगा, ये चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आता है हेयर ड्रायर, तो हेयर ड्रायर आपको हेयर सेट करने में भी काम आता है। बेसिकली आपके पास अगर आप हेयर कट कर रहे हो तो इतना सामान होना ज़रूरी है, तभी एक अच्छा हेयर कट बनता है। तो चलिए अभी हेयर कट शुरू करते हैं। तो जब भी क्लाइंट अभी आपके पास हेयर कटिंग के लिए आता है, तो फर्स्ट चीज़ क्या है, आपको पहले 1-2 मिनट उसके हेयर्स जो है देख लेने, अच्छे से कैसे थिक है थीन है एक बात आपको नोटिस करनी होती है। उसके बाद आपको उसको टैंगल फ्री करना है, अच्छे से कॉम करने करके टैंगल फ्री करना है, क्योंकि उसमें एक भी बर्ड नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल बाल सुलझे हुए होने चाहिए। उससे क्या होता है आपका हेयर कट प्रॉपर आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, वाटर स्प्रे करके हेयर्स को अच्छे से आपको गिल्ले कर लेने हैं, क्योंकि क्या होता है वाटर स्प्रे करने से हेयर गिल्ले हो जाते हैं और की ग्रिपिंग अच्छी होती है। जब आप फिंगर में उसका हेयर्स हम पकड़ते हैं तो ग्रिपिंग उसकी अच्छी होती है। उसके बाद आपको क्लाइंट को एक बात आपको कन्फर्म कर लेनी है कि आपको लेंथ कितनी कटवानी है। क्लाइंट जब भी आपको लेंथ बोले तो उससे 1/2 इंच आपको कम ही उनके हेयर कटिंग करने हैं। तो अभी देखो हम हेयर कट कर रहे हैं, ये हेयर कट ऐसा है आप घर में भी मतलब घर से ही आप शुरू करते हो, सिंपल एकदम इजी मेथड से मैंने ये हेयर कट आपको सिखाया है। तो अभी देखो मैंने बीच में जो हेयर कट के जो बाल थे वो मैंने थोड़े से बाल मैंने कट कर लिए, तो वो आपकी हो गई गाइडलाइन। तो गाइडलाइन आपको दिख रही होगी, मैंने एरो से रेड एरो से आपको दिखाया है, वो होती है गाइडलाइन। तो दूसरा सेक्शन पकड़ के मैंने क्या किया, गाइडलाइन के साथ है उसको कट कर लिया है। फिर से हेयर्स अच्छे से आपको कंघी कर लेने हैं, कॉम आपको फिनिशिंग से साथ कर लेना है, और फिर बीच में जो गाइडलाइन है उसके साथ बचे हुए जो हेयर्स है वो मिला के गाइडलाइन के साथ, आपको गाइडलाइन नहीं काटनी, गाइडलाइन के साथ जो एक्स्ट्रा जो बाल होते वो आपको काटने हैं। तो बस एकदम सिंपल है, और आप कौन सा भी हेयर कट करो एक बार आप इसको रीचेक ज़रूर करवाएं कि फिनिशिंग में मतलब हेयर्स कटे हैं या नहीं। तो देखो इधर मैंने अच्छे से फिनिशिंग से सिंपल जो हमारा कॉम है उससे अच्छे से कंघी कर लिया, और एक बार मैं चेक कर रही हूँ। तो बस यही है, एकदम इजी मेथड है, गाइडलाइन के साथ जब भी आप कुछ काम करते हो तो वो एकदम फिनिशिंग में आता है और आपका हेयर कट भी ख़राब नहीं होता है। तो अभी ये सिंपल इजी स्ट्रेट हेयर कट हमारा हो गया। अभी इसको हम सेटिंग करेंगे, तो सेटिंग आपको रोलर से कर मतलब हेयर ड्रायर से करना है।
तो अभी हम अच्छे से गीले किए हुए बालों को अच्छे से आप हेयर ड्रायर से हवा दे देंगे तो वो थोड़े से सूख जाएंगे। और अभी आपको इधर रोलर कॉम चाहिए, तो ये बाल देखो ये क्लाइंट के थोड़े थीन है तो पूरे बाल आपके इसमें आ गए, नहीं अदरवाइज आप दो या तीन सेक्शन में आप उसको कर सकते हो। तो मैंने इसको क्या किया, सिंपली हेयर रोलर कॉम ने अच्छे राउंड करके घूम फंसा लिए और उसके ऊपर मैंने दो तीन मिनट तक के जो हॉट इसकी एयर होती है वो मैंने कर दी और फिर इसको अच्छे से रोलर घुमा के फिर इसको सेटिंग कर दिया। तो इधर आप देख सकते हो इतना अच्छा हेयर कट हुआ है, इजी सिंपल, और क्लाइंट को भी बहुत अच्छा लगा था। तो देखो फ्रेंड, आपको भी यही प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से ग्रिपिंग होल्ड करना है, कैंची पकड़ने की प्रैक्टिस करना है तो आपको भी आ जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।